हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। और जैसा आप जानते हैं कि ये जो है हम उस दिन पढ़ रहे थे कि ऑक्सीजन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो हमने देखा था कि कैसे ये ऑक्सीजन के साथ आयरन रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। फिर हमने देखा था कि हमने रस्ट पाउडर को जो है लिया था वाटर में, थोड़े से वाटर में जो है हमने उसे डिसॉल्व किया था और पीएच स्ट्रिप पे चेक किया था रस्ट पाउडर को। रस्ट पाउडर इसी तरीके से हमने देखा था कि कॉपर पे भी ग्रीन कलर की रस्ट लगती है, वो भी ऑक्साइड का और जो है वाटर के साथ मिक्सचर है। जैसे ये देखिए, कॉपर कॉपर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं। तो इस तरीके से ये है, ये रस्ट है जो ग्रीन कलर की आपको रस्ट दिखती है। अब इसके बाद आपने मैग्नीशियम बर्निंग वाली एक्टिविटी भी देखी थी, और जो उसका जो मैग्नीशियम बर्निंग के बाद जो एशेज बचती हैं उसे भी हमने वाटर में डिजोल्व करने के बाद डिस्कस किया था। अब इन सब केसेस में हमने चेक किया था कि ऐसे ये जो एशेज है या कोई भी ऑक्साइड है, ये एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। और लास्ट में हमें पता चला था कि इन जनरल मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में अपने आप, ठीक है। मेटलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, यानी वो बेसिक होते हैं और वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ठीक है, मेटलिक ऑक्साइड। जबकि मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल्स एसिडिक होती हैं, मेटल्स क्या होती हैं, एसिडिक, और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक्स होते हैं और मेटल्स क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं। खाली मेटल की रिएक्शन होगी तो एसिडिक रिएक्शन देगी, मेटल ऑक्साइड्स होंगे तो वो बेसिक रिएक्शन देगी। अब आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमने मेटल की तो रिएक्शन देख ली, अब हम देखते हैं मेटल, नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो अब हमने मेटल्स की रिएक्शन देख ली, नॉन मेटल्स की रिएक्शन देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं ये एक्टिविटी 4.4, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई द टीचर इन द क्लास। तो ये एक्टिविटी आप घर पे ना करें, ये टीचर ही आपको दिखाएगा। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर, तो हमने क्या लिया, पाउडर सल्फर इन अ डिफ्लेजरेटिंग स्पून, ठीक है, एक स्पून में ले ली एंड हीटेड, और इसको जो है हीट करना स्टार्ट कर दिया। इफ डीफ्लेजरेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, यू मे टेक अ मेटलिक कप। तो हम इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अगर ये अवेलेबल नहीं है डीफ्लेजरेटिंग स्पून, तो हम एक मेटलिक कप ले लेते हैं, ठीक है, मेटलिक कैप ऑफ एनी बॉटल एंड रैप अ मेटलिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट अ शेप ऑफ एज शोन इन फिगर 4.4A। देखते हैं, देखो इस टाइप की स्पून होनी चाहिए हमारी, डीफ्लेजरेटिंग स्पून। अगर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमने एक मेटल का कैप लिया और उसमें वायर लगा के इसकी स्पून जैसा हमने बना लिया, ठीक है। अब देखो इसे स्पून को अब हीट करना है। एज सून एज द सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, तो जैसे ही सल्फर बर्न स्टार्ट होने लगती है, इंट्रोड्यूस द स्पून इन टू ग्लास जार। तो देखो करा क्या है कि जैसे ये स्पून में सल्फर ली, सल्फर को हमने गर्म करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही सल्फर जलना स्टार्ट होगी उसे हमने इसमें ग्लास के जार में या ग्लास टम्बलर में रख दिया। कवर दैट टम्बलर, या तो ग्लास जार या टम्बलर यानी ग्लास जो हो, विद ए लिड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। तो इससे क्या होगा, जो अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर नहीं निकल सकती, नॉट एस्केप, ठीक है। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, उसके बाद कुछ देर बाद हमने क्या करा, इसे निकाल लिया। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टू टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, ठीक है। अब हमने इसमें टम्बलर में फिर थोड़ा सा पानी जल्दी से डाला और जल्दी से इसका ढक्कन वापस लगा दिया, क्विकली रिप्लेस द लिड, यानी दोबारा से ढक्कन इसका लगा दिया। शेक द टम्बलर वेल, तो टम्बलर को उसके बाद हिलाया सब, ठीक है। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, फिर से समझो क्या करा,
हमने इस एक स्पून है डिफ्लेजरेटिंग स्पून, इसमें क्या लिया सल्फर, अगर नहीं है तो हमने इससे बना लिया वायर लगा के और एक बॉटल के कैप से मेटलिक कैप से इसे गर्म किया। जैसे ही सल्फर जलनी स्टार्ट हुई हमने एक कांच का वेसल लिया, ग्लास भी ले सकते हैं, उसमें स्पून को रखा, उसके ऊपर लिड लगा दिया। जब जो है उसमें गैसेस कलेक्ट हो गई, गैस कलेक्ट हो गई, तो गैस कलेक्ट होने के बाद हमने उसमें इसे बाहर निकाला, इसमें तुरंत थोड़ा सा पानी डाला, इमीडिएटली थोड़ा सा वाटर ऐड किया और ढक्कन मिला के रख दिया, ढक्कन लगा के फिर से रख दिया, फिर शेक किया ताकि गैसेस क्या हो, गैसेस उस वाटर में डिजोल्व हो जाए। गैस किस में मिल जाएंगी, वाटर में। तो इस तरीके से वाटर में वो गैसेस हैं, इसे अंदर रखा, गैस अंदर प्रोड्यूस हुई, गैस को बाहर नहीं निकलने दिया, फिर एकदम से ढक्कन खोल के थोड़ा सा वाटर डाला, वाटर डाल के वापस लिड लगाया और इसे शेक किया ताकि गैसेस किस में मिक्स हो जाए, वाटर में। एक बार गैसेस मिक्स हो गई, मिक्स होने के बाद क्या है, चेक द सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स। तो इसके बाद हमने क्या करा कि इन्हें जो है, जो अब गैस तो उसमें आ गई, गैस तो वाटर में आ गई, और गैस कहां से आई है, जो सल्फर बर्न हुई है, सल्फर बर्न हुई है, तो जो है सल्फर बर्न होने की वजह से उसकी गैसेस में जो है सल्फर की बर्निंग के फ्यूम्स थे और अब वो किस में आ गए, वाटर में। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ये वाली एक्टिविटी देख ली है कि हमने वाटर में जो है गैस डिसॉल्व कर ली है और अब हम उसके नेचर को चेक कर रहे हैं कि वो गैस एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, इस तरीके से वाटर में गैस आ गई है और वाटर में गैस आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के लिटमस पेपर से उस वाटर की चेकिंग कर रहे हैं। ये जैसे यहाँ रेड लिटमस पेपर है, उसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ब्लू लिटमस पेपर क्या हो गया है, रेड हो गया, रेड लिटमस के कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है और ब्लू लिटमस क्या हो गया है, रेड हो गया है। लास्ट वाली एक्टिविटी में क्या था हमारा, रेड लिटमस ब्लू हुआ था, लास्ट वाले में मेटल के केस में रेड लिटमस ब्लू हुआ था, यहाँ पे ब्लू लिटमस रेड हो गया, रेड वाले के कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या हुआ है। ठीक है, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन रिएक्शन ऑफ सल्फर, ये टेबल अभी बाद में देखेंगे, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, सल्फर और सल्फर ऑक्सीजन की रिएक्शन से, क्योंकि देखो किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो जैसे ही आपने इसमें स्पून में सल्फर बर्न करी, ठीक है, तो किससे रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन से, वो सल्फर किससे रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन से, तो हमेशा इसे ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होती है, जब भी कोई चीज बर्न होगी तो किसके साथ रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के। द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो उसमें क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्वड इन वाटर, तो जब इसे वाटर में घोल देते हैं इस गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म, क्या बनता है हमारा, सल्फ्यूरस एसिड। तो देखो इस बार क्या बना है हमारा, एसिड, लास्ट बार क्या था, बेस। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो, तो रिएक्शन देखो सल्फर और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, अब सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड हमारा बन गया SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। ठीक है, अब ये बन गया, इसमें वाटर में हमने घोल दिया सल्फर डाइऑक्साइड को, तो क्या बना हमारा, सल्फ्यूरस एसिड। तो ये रिएक्शन सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट देखो इसके आगे वर्ड लगा है एसिड। पिछली बार क्या बना था, मेटल को जब ऑक्सीजन से कराया था, बेसिक, मेटल को ऑक्सीजन से कराने पे क्या बना था, बेस, बेस या सॉल्यूशन कैसा था, बेसिक। नॉन मेटल को कराने पे कैसे बनाया है, एसिड। तो फिर से याद रखो, मेटल खुद में कैसी होती है, एसिडिक। ठीक है, नॉन मेटल ये है, नॉन मेटल अभी छोड़ो, मेटल का ऑक्साइड कैसा था, मेटल का ऑक्साइड था बेसिक। ठीक है, मेटल कैसी थी, एसिडिक, मेटल ऑक्साइड कैसा था, बेसिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है, नॉन मेटल ऑक्साइड वो कैसा हो गया, एसिडिक। तो तीन चीज आई, मेटल एसिडिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक,
नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक।